नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को लेकर कई चर्चाएं हैं और चर्चाएं ये है कि भैया खेसारी लाल यादव के गाने नहीं आएंगे, एग्रीमेंट में जब बुरे फंसे हुए हैं तो क्या खेसारी लाल यादव का स्टारडम डाउन हो जाएगा। और दूसरा बड़ा सवाल सबसे ज़्यादा ये आ रहा है कि भैया खेसारी लाल यादव के जो यूट्यूबर थे वो अब यूट्यूब पर वीडियो खेसारी लाल यादव को लेकर ज़्यादा नहीं बना रहे हैं बल्कि अब दूसरे कलाकार को लेकर, खास करके पवन सिंह को लेकर खबर बना रहे हैं। तो इन दो मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई सच में खेसारी लाल यादव का स्टारडम डाउन हो जाएगा। तो देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार में खेसारी लाल यादव का नाम शुमार होता है और उसके बाद जो है पवन सिंह और तमाम लोगों का नाम आता है। और मैं ये पहले नंबर पर क्यों कह रहा हूँ, ये आपको भी पता होगा कि यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स हो चाहे कहीं भी हो, खेसारी लाल यादव का दबदबा रहता है, खेसारी लाल यादव का जलवा रहता है। चाहे वो 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन क्लब के गाने हो, उसमें भी खेसारी लाल यादव का ही दबदबा है। अब उसके लिए कहेंगे कि खेसारी यादव ज़्यादा गाना गाते हैं तो ये हो गया, वो हो गया, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स में हमेशा खेसारी लाल यादव का मैक्सिमम टाइम्स जो है वो पवन सिंह से ज़्यादा आगे रहते हैं, चाहे वो भारत हो चाहे पूरे वर्ल्ड हो। इसलिए मैं खेसारी का पहले नाम ले रहा हूँ, पवन का बाद में नाम ले रहा हूँ। अब बात ये कि खेसारी लाल यादव का गाना नहीं आएगा तो सच में स्टारडम, हाँ ऑब्वियसली भाई गाना गाने की ही वजह से खेसारी लाल यादव हैं। और खेसारी लाल यादव के गाने नहीं आएंगे तो उनकी सर्चिंग घट जाएगी, उनका जो एक फैन फॉलोइंग का जो उतावलापन होता है वो घट जाएगा, क्योंकि एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा और ऑब्वियसली एक्साइटमेंट खत्म होता है तो दबदबा घटेगा ही। इसके अलावा यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स में भी उनका रैंकिंग गिरेगा और ऊपर से पवन सिंह बैक टू बैक अब गाने लाने लगे हैं। अब पवन सिंह जब एक्टिव हो गए हैं भैया तो खेसारी लाल यादव का स्टारडम डाउन होना बिल्कुल लाजमी है और ये होगा, 100% होगा। भले ही आप कर लीजिए फिल्मों के गाने पर आप देख रहे हैं कि एक एक लाख जो है व्यूज नहीं मिल पा रहा है, तो ये हरकतें रही और ये ऐसी चीज़ें रही तो ऑब्वियसली स्टारडम डाउन होगा। हालांकि खेसारी लाल यादव सुपरस्टार हैं, जब भी कम बैक करेंगे उनको दर्शकों का भरपूर प्यार मिलेगा, लेकिन अभी जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं उसके अनुसार अगर बात करें तो सच में स्टारडम डाउन होना है, ये 100% श्योर है। क्योंकि भाई गाने नहीं आएंगे तो आप क्या सोच सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई कि अब खेसारी लाल यादव के जो यूट्यूबर हैं वो पवन सिंह के या फिर और भी लोगों के खबर करने लगे हैं। तो देखिए, यूट्यूबर जो होता है ना वो किसी का पर्टिकुलर नहीं होता है, ये हर कोई कहता भी है और हर कोई करता भी है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल तो ऐसे यूट्यूबर हैं जो न्यूज़ तो देते ही नहीं है, साले वो आते हैं और बस विवाद वाले मुद्दे पर कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे पर जो है वो आकर अपनी प्रतिक्रिया देकर चले जाते हैं और लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। लेकिन आपने किसी ऐसे यूट्यूबर को नहीं देखा होगा जो पर्टिकुलर किसी कलाकार को सपोर्ट कर रहा है, पर्टिकुलर व्यक्ति का वीडियो बनाता है, क्योंकि उसके ज़्यादा कंटेंट आते हैं और जब कम आते हैं तो वो फिर दूसरे को पकड़ लेता है। नहीं तो कुछ तो ऐसे भी हैं जो खाली विवादित मुद्दे पर वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो बनाएंगे दिन में और वो विवादित मुद्दे पर बनाएंगे, पता नहीं वो अपने आप को क्या समझते हैं कि आकर उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, चेतावनी देते हैं, जवाब देने लगते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो अब उन लोगों के बारे में क्या ही कहना है, खैर उन लोगों की अपनी एक अलग सोच है तो उनकी सोच के बारे में भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर यूट्यूबर काम कर रहा है तो ऑब्वियसली फैन कहता कोई है कि हाँ मैं फ़ैन हूँ, मैं खेसारी लाल यादव के लिए कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे में कोई भी नहीं है, 0% कोई भी नहीं है, क्योंकि उसको मतलब है व्यूज से, उसको मतलब है कमाई से, और ऐसा कोई भी नहीं होता है भाई। पूरे देश में किसी को भी ले लो, कोई ओवर पॉजिटिव नहीं होता है, खास करके जब पैसे आने लगे तभी वो कुछ करता है, नहीं आते हैं तो फिर वो दूसरे चीज़ों को पकड़ लेता है। इसलिए हर यूट्यूबर जो है वो अपने चैनल पर काम करने के लिए किसी न किसी टॉपिक को पकड़ लेता है, किसी न किसी लोगों को पकड़ लेता है। आप एक पर्टिकुलर किसी यूट्यूबर का नाम बताइए जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का काम करता है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक इंडस्ट्री में रहते हैं, तो आपको सभी को साथ लेकर चलना है, नहीं तो आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो फिर आप लिमिटेड रह जाएंगे। और अगर आप लिमिटेड होकर सोचते हैं कि चलो भाई ठीक है करना है तो आप करिए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कोई है नहीं जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर चलता है। मैं भी खेसारी लाल यादव को लेकर, मतलब मैं ज़्यादा खबर करता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं खेसारी लाल यादव का यूट्यूबर हूँ, और मैं हमेशा कहते आता हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का यूट्यूबर हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी पॉसिबिलिटी होती है, मैं अकेला हूँ तो किसका मैं काम कर सकता हूँ, किस पे मैं अपनी प्रतिक्रिया दे सकता हूँ, वो मैं करता हूँ। अब रही बात खेसारी लाल यादव को लेकर ज़्यादा खबर करता हूँ तो ऑब्वियसली उनके ज़्यादा अपडेट आते हैं भैया, तो हम ज़्यादा खबर करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो खेसारी लाल यादव के आजकल नहीं आ रहे हैं तो कम हो रहे हैं, सिंपल दैट सिंपल। जब आएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे।
तीसरी बात मतलब इसी में इंक्लूड करना चाहूँगा कि खेसारी लाल यादव के कुछ कह रहे हैं कि एल्बम के पोस्टर आए हैं, नहीं हो रहा है। तो भाई देखिए, एसआर के म्यूजिक पर पोस्टर आ रहा है, रंग दे बसंती का पोस्टर आ रहा है, उसको लेकर लोग डर रहे हैं, करने से डर रहे हैं, उसके बारे में उस गाने के बारे में अपना राय देने में डर रहे हैं, क्योंकि भाई पता ही है कि क्या कर रहे हैं भाई साहब। जब आप कोई चीज़ कहते हैं करते हैं तो उसमें FIR दर्ज हो रहा है। और आपको पता होगा कि एसआर के म्यूजिक वाले भाई साहब ने कई लोगों का इंस्टाग्राम बंद कर दिया था, कई लोगों के यूट्यूब पर स्ट्राइक भेजवा दिया था। तो जब ऐसी हरकतें करोगे तो ऑब्वियसली आपको कौन ही करेगा और कौन ही पूछने वाला है। खैर, इस पर आपकी राय क्या है, क्या आप सोचते हैं इस पर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।